केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गुजरात के दो जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया है, न कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के तहत। CAA में भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इस अधिनियम के तहत अभी तक सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए अभी तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई गुजरात के आणंद और मेहसाणा जिले में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। गुजरात के दो जिलों में रहने वाले ऐसे लोगों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे, जिसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर इसका वेरिफिकेशन करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन के साथ कलेक्टर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरी प्रक्रिया के बाद संतुष्ट होने पर कलेक्टर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा और इसका प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। तो देखा जाए तो केंद्र सरकार ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले काफी बड़ा दांव उछाला है। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP Live।